जो कुछ भी हमें करना पड़ा इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट करेगी। सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं रावलपिंडी के लिए, क्योंकि रावलपिंडी एक बहुत अहम शहर है। मैंने उस तकरीब में कहा था कि जिस तरह मेरा घर डेरा गाजी खान में है, इसी तरह रावलपिंडी को भी अपना घर समझता हूँ। इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी वसाइल होंगे आप लोगों के लिए हाजिर होंगे, क्योंकि हमारा मंशूर, हमारे कायद का मंशूर, जो ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने देखा, उसकी ताबीर का वक्त अब आन पहुँचा है। उसके लिए इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है, नया पाकिस्तान बनाना है। नए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम और सेहत की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। और पूरे पंजाब में हम जा रहे हैं, उनके विजिट्स भी कर रहे हैं, उनके देख भी रहे हैं, जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वसाइल को हम इस्तेमाल करेंगे और उनकी जो पसमानदगी होगी वो हम इंशाल्लाह दूर करेंगे और उनको वसाइल देंगे। रावलपिंडी के लिए इसके अलावा हम नाला लई का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिस पर 70 अरब रुपए की लागत आएगी, जो कि 23 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट होगा, जिससे यहाँ के शहर की किस्मत तब्दील हो जाएगी। सिर्फ नाला लई ही नहीं, रावलपिंडी के लिए एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी है, जिस पर 50 अरब रुपए लागत आएगी, उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा पिछली रात मैं रावलपिंडी आया, यहाँ आपका शहर में चक्कर लगाता रहा, देखता रहा। इस शहर की खूबसूरती के लिए मैंने PHA को कह दिया है और उनको फंड्स भी दे रहे हैं, इंशाल्लाह रावलपिंडी को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। और मैं दोबारा आऊँगा, विज़िट करूँगा, मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह एक माह के अंदर दोबारा हम आएंगे और शहर को देखेंगे क्या नज़ारा होगा यहाँ पर। रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नए पाकिस्तान का मिशन यही है कि लोगों को तालीम दी जाए, लोगों को सेहत दी जाए।